Okay, let's see. So the seventh question of exercise 5.3, what does this say? A, B, C, D be the angles of cyclic quadrilateral. I hope you know what is the meaning of cyclic quadrilateral. Oh, very good. जिसके चारों कोने, क्या बात है? बहुत बढ़िया. एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त में टच कर रहे हैं. Cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose vertices are touching the circumference of a circle. Okay, so A, B, C, D, that is your quadrilateral. और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी को ध्यान में है? अपोजिट एंगल 180 होते हैं, बिल्कुल सही. ए प्लस सी इज पाई एंड बी प्लस डी इज ऑल्सो पाई. ठीक है, आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. किसी का यूज करके ये सब प्रूव करना है, आओ देखते हैं क्या है. लेट्स सी कॉस इन टेकिंग इन ऑर्डर प्रूव दैट ये होगा. चलो ठीक है, LHS से शुरू करके देखते हैं, आराम से रिलैक्स होके, है ना. ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ये हमेशा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना. ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर रखना कि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं. बहुत रिलैक्स होके करोगे, सब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं होगा. ये हो गया बी, और ये क्या है भाइयों, कॉस ऑफ 180 प्लस सी, डिग्रीज and this is minus sine of 90 plus d. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यार से समझने की कोशिश करनी है. 180 क्या सिखाया तुम्हारे मास्टर साहब ने? 180 मतलब ये वाला एंगल सिखाया क्या? 180 के रेफरेंस में जब भी देखेंगे तो cos का cos ही रहेगा क्या? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखेंगे? क्वाड्रेंट कौन सा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या होगा? नेगेटिव होगा, आता है आपको, आना चाहिए. ओके, सिमिलरली 180 प्लस कुछ भी है, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही होगा, बी होगा. नेगेटिव या पॉजिटिव, 180 में तुमने कुछ ऐड किया तो कहाँ घुस गए? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए. थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस कॉस भी है. ठीक है, सिमिलरली ये भी तुम्हारे पास क्या होगा? माइनस कॉस सी होगा, माइनस कॉस सी होगा. ठीक है, अब साइन 90 डिग्री प्लस माइनस है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस डी. राइट, प्लस माइनस किस चीज पे डिपेंड करता है? कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है. तो साइन प्लस किसको देखते हैं? जो ओरिजिनल चीज होती है उसको देखते हैं. तो साइन का है, तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है. माइनस साइन लगा था, ये पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस प्लस क्या रह जाएगा? माइनस रह जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टेप वन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, वंडरफुल, वेरी गुड. अब तुम्हें इसके बारे में पता क्या है मेरे बच्चों? तुम्हें ये पता है कि a प्लस सी 180 डिग्री है, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सिमिलरली यू ऑल्सो नो दैट b प्लस डी इज ऑल्सो 180 डिग्री. नाउ माई सजेशन इज, एज यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो, सो यू शुड टेक इट टू एनी टू एंगल. राइट, कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, जैसे 90 डिग्री का सम को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, 180 को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. तो या तो a को c में कन्वर्ट कर लो या b को d में कर लो, मतलब किसी एक में ले आओ, है ना. जैसे कि a है, चलो इसको a रहने देते हैं, B को B रहने देते हैं, इधर C और D में अपना खेल कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो C है, C को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस A लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो, C को मैं क्या लिखता हूँ? C को मैं लिखता हूँ 180 माइनस A. आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. सिमिलरली D को क्या लिखूंगा? 180 माइनस B. क्या बात, समझ गया ना. और इधर जो भी था वो तो है ही है, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा. ये क्या था बच्चों? माइनस कॉस A. ये क्या था मेरे बच्चे? माइनस कॉस बी. और 180 माइनस थीटा क्या बताया था? कॉस का कॉस ही रहेगा. राइट, बाहर माइनस साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस ए. माइनस का माइनस कॉस ए क्या होता है बेटा? माइनस का माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है. यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा? माइनस का माइनस कॉस बी. ये माइनस का माइनस प्लस बन गया, इसको कैंसिल किया. ये माइनस का माइनस प्लस बन गया, इसको कैंसिल किया. जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या बना? जो चाहिए था, लड्डू. क्या बन गया? लड्डू. और बताओ, टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we'll be discussing about the maximum and minimum value of any trigonometrical expression. ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल बातें करता हूँ. सपोज करो, बिफोर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, राइट, अगर मेरे पास साइन एक्स है, सिंपल साइन एक्स है, तो साइन एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आई थिंक वी नो डैट. कितनी होती है? माइनस वन से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है. डू वी नो दिस? एवरी वन शुड नो डैट. Okay, I'm starting with the most basic thing. Similarly, if I talk about cos x,
इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या ये कहना सही होगा कि साइन स्क्वायर एक्स हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन से तो छोटा ही होगा? कि कोई भी नंबर अगर माइनस वन से वन के बीच में आप जब उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वन से तो छोटी होगी ना, और पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से द सेम फैक्ट अबाउट कॉस स्क्वायर एक्स, दैट वेन एवर यू टॉक अबाउट कॉस स्क्वायर एक्स देन द मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज वॉट जीरो एंड द मैक्सिमम इज वन, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस सिंपल पॉइंट। ओके, वंडरफुल। नाउ अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ए साइन एक्स होता है, ए साइन एक्स, ए कैन बी कोई भी रियल नंबर, मान लो तीन चार पाँच कुछ भी ले लो, थ्री बाई फाइव एनीथिंग, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम कितनी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों? माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, ठीक है। ओके, दैट इज अगेन गुड। अगर स्क्वायर करें तो कोई बात नहीं, जीरो से लेकर के ए स्क्वायर तक हो जाएगा, है ना। अगर मैं ए साइन एक्स या ए कॉस एक्स की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बोलूं तो कहां से कहां तक होगा? दैट विल बी फ्रॉम जीरो टिल ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ गया, समथिंग लाइक दिस, ए साइन एक्स, बहुत आराम से सुनना सारी बातें, और बी कॉस एक्स, और बोला गया बताओ इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सेम वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम समझना चाहो कुछ ऐसा ले लो, जैसे कि थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो मैं क्या बोलूंगा? 3 प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है? 25, यानी कितना बोलूंगा? माइनस 5। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? माइनस 5। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? प्लस 5। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर आखिर कैसा क्यों, तो आओ उस क्यों को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में तुम्हें हर चीज समझ में आनी चाहिए, राइट, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ओके, देयर इज नथिंग टू क्रैम, कुछ भी रटने का नहीं है। तो चलो इसको समझते हैं, लेट अस लुक इनटू दिस। मान लो इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 है, ऐसा करता हूँ कि ये जो नंबर है ना इसको मैं 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 बाई 5 इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 बाई 5 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अभी आप आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ोगे, ठीक है, मेरे ख्याल से आज से एक दो क्लास में, ठीक है। क्या पढ़ोगे आप उसमें? आप ये पढ़ोगे दैट साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स हैं अगर ए और बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अभी से एक दो दिन में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। 3/5, 4/5, कुछ हमने ट्राइंगल बना बना के बहुत सारे एंगल्स को देखा है ना। मान लो एक एंगल मैंने कंसीडर किया अल्फा, साइन अल्फा दे रखा है 3/5, या कॉस अल्फा मान लो, ठीक है, कॉस अल्फा कितना दे रखा है? 3/5। ये मैंने लिया 3 और ये लिया 5, बिकॉज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यूजिंग पाइथागोरस मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया? 25 माइनस 9 विच इज 16 का अंडर रूट विच इज 4, ओके। सो आई रियलाइज दैट इफ दिस इज, ये जो 3/5 है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कॉस अल्फा, तो 4/5 क्या होता है? साइन अल्फा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैंने इस तरीके से लिखा, ये कुछ बन रहा है, राइट, क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है साइन एक्स इंटू 3/5 इज वॉट? कॉस अल्फा, राइट। देन वट डू हैव? कॉस एक्स इंटू वट इज दैट? साइन अल्फा। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करें तो ये बना क्या बेटा? दिस इज 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा,
साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी है, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से लेके प्लस वन तक होती है। तो अगर मैं इसको फाइव टाइम्स करूंगा, ए टाइम्स करूंगा, तो क्या होगा, माइनस ए से लेके प्लस ए तक होगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस ए से लेके प्लस ए तक होती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। अब बात आती है इस क्वेश्चन की जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर फोर एक्स। लीनियर था तब तो ठीक था, हम स्ट्रेट अवे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते थे। अगर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स होता तो हम स्ट्रेट अवे इसको अप्लाई करके निकाल देते। बट टेंशन क्या है कि ये लीनियर नहीं है, ये पावर फोर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, द पावर इज वन, बट यहाँ पे क्या है, पावर फोर है, पावर टू है, तो दैट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम। बट कोई टेंशन नहीं है, अपन रिलैक्स होकर देखेंगे। ए को जरा स्टडी करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज ए। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट थिंग्स आर फाइन। सो ए इज साइन की पावर फोर एक्स, राइट। फोर एक्स को छेड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज करना बेटर समझता हूँ। इसको मैं साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या याद आता है मुझे, मुझे याद आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इन दिस केस कैन बी रिटन एज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप थिंग्स आर फाइन टिल दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्या करें, इसका क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होकर के तुम्हें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। कितनी होती है मिनिमम वैल्यू किसी परफेक्ट स्क्वायर की, जीरो होती है, ठीक है। तो मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट, देखते हैं कितना हो जाएगा ये। हाँ, साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू वन होती है, बट किसी भी स्क्वायर की अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो होगी, ठीक है। बल्कि साइन स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम तो जीरो होगी ना। चलो ध्यान से देखो, अभी मैं बताता हूँ, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, राइट। अपने डाउट्स को एक जगह पे लिख लो, पूछना जरूर से, राइट, डोंट लीव योर डाउट्स। तो यहाँ मैंने इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, चलेगा। ए की पावर फोर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं लिखता हूँ टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे सर टू का क्या मतलब है, टू का मतलब ये है कि मैं वन बाई टू भी करूँगा। ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आता है कुछ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला याद आता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर मैं बी स्क्वायर कर दूँ तो ये परफेक्टली क्या बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी क्या दिखता है मुझे, बी मुझे दिखता है वन बाई टू, चलेगा ना। टू मैंने मल्टीप्लाई किया, टू सब डिवाइड किया, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर मुझे क्या चाहिए, बी का स्क्वायर चाहिए, यानी क्या चाहिए मुझे, मुझे वन बाई फोर चाहिए। 1 by 2 का स्क्वायर इज व्हाट, 1 by 4, बट ऐसे तो है नहीं ना, हमारे पापा का राज नहीं चल रहा, ठीक है। अगर कुछ भी ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिंपल है, ओके। मैथमेटिक्स में किसी के पापा का राज नहीं चलता। तो 1 by 4 मैंने ऐड किया, तो 1 by 4 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा भाइयों, ओके। और इस 1 का क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो है वो सब करना पड़ता है इधर, राइट। यहाँ किसी के भी राज नहीं चलता, ठीक है। इट इज ऑल वेरी फेयर एंड फेयर डील, राइट। ये वाली मैथमेटिक्स वाली वर्ल्ड जो है ना, ये बहुत फेयर है, ओके। तो ये क्या बना, अब ये मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ a कितना है, a है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, b कितना है, 1 बाई टू। सो ये बन रहा है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर बच रहा है मेरे पास 1 बाई फोर प्लस 1, माइनस 1 बाई फोर प्लस 1। व्हाट कैन आई से अबाउट दैट, आई कैन से दैट दिस इज 3 बाई फोर। आई होप यू आर ओके टिल दिस पॉइंट। इस सिंप्लीफिकेशन को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको सारी बातें ठीक ठाक से समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक जब तुम पहुँच गए, पूछा गया था आपसे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, ओके। आई हैव रिसीव्ड दिस, ओके, वेरी गुड, राइट, आई हैव रिसीव्ड दिस, राइट। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी। तो भाई किसी भी स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। मानते हो, मानते हो ना, मानना चाहिए तुम्हें, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू अगर वन बाई रूट टू होगी तो ये वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू बन जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कौन हो जाएगा। तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, दिस इज 3/4। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ, आधा, अभी हाफ हमने प्रूव किया है कि ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3/4। मैक्सिमम पे आते हैं, मैक्सिमम कितनी होगी। मैक्सिमम के लिए मुझे ये समझ में आता है कि जब कभी भी मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को मैक्सिमम वैल्यू देने की जरूरत है, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम वैल्यू देने की जरूरत है। अब सोचने की जरूरत यह है कि साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं कुछ भी करूंगा तो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, साइन को तो मैक्सिमाइज नहीं करना है ना,
तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा राइट, जिस चीज को पूछ रहे हैं नजर उस पर होनी चाहिए। तुम्हें ए को मैक्सिमाइज करना है, साइन को मैक्सिमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो ए को मैक्सिमाइज करने पे या मिनिमाइज करने पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी आप कभी साइन एक्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे तो उससे क्या इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, ये वाली वैल्यू भाई अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव में से कुछ भी घटाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, वो छोटी वैल्यू बन जाएगी ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है। अगर मैं 0 रखता हूं तो कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है। अगर मैं 1 रखता हूं तो भी 1 में से हाफ गया तो भी हाफ ही बचा भाई, और हाफ का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो समझने की बात है, इन बोथ द एक्सट्रीम केसेस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी कहां से कहां तक थी, 0 से लेके 1 तक थी ना, राइट। तो यहां जब मैं 0 रखूंगा तो भी -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, +1/4, और अगर मैं 1 रख देता हूं तो भी 1 में से हाफ गया तो +1/2 का स्क्वायर भी 1/4। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू हैव, 1/4 +3/4, 3/4 बाहर है तो सही, कितना हो जाएगा, 4/4, व्हाट इज दैट, दैट इज 1। सो ए की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, ए की वैल्यू 3/4 से 1/1 तक आएगी, ठीक है। अब मैं वीडियो